माय यूट्यूब चैनल एजीएस्ट गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग सनफ्लावर की बात करेंगे। ये ड्वार्फ वैरायटी का है सनफ्लावर। इसे हम लोग पॉट में लगाएंगे। इसे मैंने 8 रुपये में नर्सरी से ख़रीदा है। तो सबसे पहले हम इसे पॉली बैग से निकाल लेते हैं। निकाल लिया है मैंने। इसकी मिट्टी को इसमें डाल लेते हैं। इसकी मिट्टी को और निकाल लेते हैं। प्लांट को कभी डायरेक्ट पॉलीबैग हटाकर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जड़ों को भी निकलना चाहिए इस मिट्टी से, ताकि ये नए मिट्टी को एक्सेप्ट कर सके। यहाँ से ज़्यादातर मिट्टी हम लोग निकाल लेते हैं। ये मिट्टी इसके लिए सूटेबल नहीं है। निकल चुका है काफ़ी मिट्टी, इतना रहने देते हैं, नहीं तो प्लांट के डेड होने का डर रहता है। अब इसे यहाँ रख देते हैं आराम से। अब ये विंटर का फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग प्लांट जो कि अपडेट हो चुका है। इसकी मिट्टी को हम पहले निकाल लेते हैं। ये मैंने इसकी मिट्टी को निकाल लिया है। ये इसका बॉटम में हमने एक ड्रेनेज होल किया है। अब इसका जो ठिकरी है वो ढूंढते हैं कहाँ है। ये मिल चुका है इसकी ठिकरी। इसे हम बॉटम में लगा देते हैं। अब इसमें हम लोग मिट्टी डालते हैं। हल्के हल्के ऐसे दबा देते हैं ताकि मिट्टी सेट हो जाए। अब इसमें ये प्लांट ऐसे रखते हैं, और रखने के बाद हम इसे प्लांट को थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे ताकि इसके रूट जो है रूट सीधा हो सके। हम लोग इसमें ऐसे मिट्टी ऐसे से डाल देते हैं। अब प्लांट को थोड़ा सा उठाएंगे ताकि इसकी रूट सीधा हो सके। थोड़ा सा दे सकते हैं, थोड़ा सा और उठाएंगे। ठीक है, अब इसके रूट जो है सीधे हो चुके हैं। रूट सीधा होने से इसके रूट का विकास अच्छे से होगा और जल्दी होगा। मिट्टी अब इसमें भर चुका है। अब इसमें हम अच्छे से पानी देंगे। वाटरिंग हम इसे भरपूर करेंगे, इतना करेंगे कि नीचे से पानी निकल सके, जो इसका ड्रेनेज होल है उससे पानी निकल सके। अभी इसमें से पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें और पानी डालने की ज़रूरत है। इसमें हम इसे और पानी देते हैं ताकि इसके बॉटम से पानी ड्रेन हो सके। देखिए फ्रेंड्स, अभी पानी ड्रेन होने लगा है। इसका मतलब इसमें भरपूर पानी पड़ चुका है। जो एक्सेस वाटर है वो अब निकल रहा है। अब हम इसे इस पॉट को
रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।